सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूपी एटीएस की लगातार चल रही पूछताछ में सीमा हैदर ने कई राज उगल दिए हैं। यूपी एटीएस पूरी तरह से छानबीन में जुट गई है। सीमा हैदर को शक के घेरे में ले लिया गया है और सचिन से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस की कार्रवाई के लिए रबुपुरा में सीमा हैदर और सचिन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीमा से पूछताछ में पाया गया कि इससे पहले भी सीमा ने दिल्ली के कई लोगों के साथ पबजी के जरिए बात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन पहला भारतीय युवक नहीं है जिससे सीमा ने पबजी के जरिए मुलाकात की हो। इससे पहले भी वो हिंदुस्तान के कुछ युवकों से संपर्क में थी और अधिकतर युवक दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। आपको बता दें, सोमवार को भी सीमा, सचिन और सचिन के पिता यूपी एटीएस की टीम ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की और देर रात यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर और सचिन के पिता को छोड़ गई। हालांकि सचिन को सोमवार से फिर से एटीएस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इसी के साथ ही टीम 6 साल की कम आयु की 2 बच्चियों को भी सीमा के साथ लेकर आई और रात में महिला को हिरासत में नहीं रखने के नियम की वजह से यूपी एटीएस की टीम सीमा को वापस घर लेकर लौटी। इसके बाद टीम ने सचिन और उसके पिता और सीमा को गिरफ्तार कर बीते मंगलवार को न्यायालय में पेश किया था और न्यायालय में आदेशानुसार तीनों को जेल भेज दिया गया था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर वकील ने सीमा को उनके प्यार और 4 बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया था। वहीं न्यायालय ने उन दोनों को अब जमानत दे दी है।